वंदना की अपनी दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूं। मैं कोई बात नहीं है संजय जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप सुने बहुत। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात को यहां खत्म करूंगा कि हो एकता का रंग जिसमें भाईचारे का निशान, हो एकता का रंग जिसमें भाईचारे का निशान, बेफिक्र मुल्क की सरहदें, बेखौफ हो चारों दिशा, बेखौफ हो चारों दिशा। मुझे लगता है पीछे समझ में नहीं आई क्या, पीछे समझ में नहीं आई? हाँ बिल्कुल। चलिए, मैं वयोवृद्ध, क्योंकि 40 के बाद जितने होते हैं वो उन्हें युवा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वयोवृद्ध साथियों के लिए अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं एक गीत है जो प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पहले आज की जो धर्म और मजहब की नीति है उस पर कुठाराघात करते हुए 4 पंक्तियां के कहने को तो भाई भाई पर मन में है गठन। फैजल भाई के कहने को तो भाई भाई पर मन में है गठन, ना जाने क्यों है कैसी है दुश्मनी अनाम, ये दुश्मनी अनाम के कौन सदी है आई, आपस में ही लड़े जा रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। राम रहीम गुरु नानक जीजस तंत्र मंत्र चालीसा, राम रहीम गुरु नानक जीजस तंत्र मंत्र चालीसा, आज इन्हें क्यों खींच रहे हो इनका मन है शीशा, आज इन्हें क्यों खींच रहे हो इनका मन है शीशा, कि कौन इन्हें समझाए मानवता को छोड़ सभी ने भ्रम कैसे फैलाए। धर्म वही जो धारण कर ले, धर्म वही जो धारण कर ले मानवता को काया में, यही तो तेरे काम आएगा बद्रीधाम या कावा में, बद्रीधाम या कावा में। इन पंक्तियों के साथ मैं उस गीत को गुनगुना रहा हूं। मेरे जो वयोवृद्ध साथी हैं, मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, मेरे पिता भी यहां बैठे हैं तो उनके लिए ये शब्द नहीं, मेरी माताजी बैठी हुई हैं उनके लिए भी नहीं, मेरे वो साथी जो वयोवृद्ध हैं, संभाले इन पंक्तियों को और मैं तालियां जरूर चाहूंगा। कि तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ, बस याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ, बस याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। और जब पहली संजय जी ध्यान तवज्जो दें, आप ही की विदा है, कि जब पहली बार मिले थे तो दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया, जब पहली बार मिले थे तो दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया, नजरों से वार किया तुमने, नजरों से वार किया तुमने, अब धड़कन तो सुनते जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। और ये जो दूसरी पंक्ति है वो उससे प्रेरित है, हिंदी साहित्य में मैंने पढ़ा था कि रसवंती के द्वार भ्रमर स्वर करने आते हैं, रमा सिंह मैम, कि रसवंती के द्वार भ्रमर स्वर करने आते हैं और चढ़ा गुलाबी रंग दिवस में सपने आते हैं, कि पून के दिन के भी उजालों में अक्सर अब रात अमावस लगती है, दिन के भी उजालों में अक्सर अब रात अमावस लगती है, इस रात अमावस में रुक कर पूनम की रात बना जाओ, याद मुझे करते रहना ये बात मेरी सुनते जाओ। और आखिरी बंद हिंदी की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रमा सिंह, श्रीमती मधुबाला मैम यहां बैठी हैं और आप सभी हिंदी प्रेमी, आप सभी को समर्पित करता हूं। कविता का भाव श्रृंगार से शुरू हुआ है लेकिन एक प्रेरणा में जाके ये समाप्त होता है। लें स्वीकारें पंक्तियों को, कि पानी की मचलती लहरों को एक रोज किनारा मिलता है, पानी की मचलती लहरों को एक रोज किनारा मिलता है, मेरे इस बहते जीवन में
मेरे इस बहते जीवन में कोई तटबंध बना जाओ, याद मुझे करते रहना ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बात मेरी सुनते जाओ। तुम दूर रहो कितने मुझसे या गैर भले ही हो जाओ। और मेरे अभी 2.5 मिनट बाकी हैं, मैं घड़ी देख रहा था, इस 2.5 मिनट में एक बिल्कुल प्रेरणा वाली मैं पंक्ति आप सभी को समर्पित करता हूं। क्या मैं पढ़ लूं? अरे हाँ, थोड़ी करना होता है श्रोताओं के द्वारा, क्या हाँ बिल्कुल सहमति चाहिए। इंसान आज क्या है? इंसान, इंसानियत मरती जा रही है, उस इंसान की मैं बात करता हूं कि आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आश्चर्य, कुछ पश्चता की निशानी लिए हुए हंस रहा था। कौन? मेरा चेहरा। कि आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, कुछ पश्चता की निशानी लिए हुए अपने आप पर हंस रहा था मैं, हैरान परेशान, पर वो अपने आप पर खुश हो रहा था। आशीर्वाद चाहूंगा कि आज सुबह जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, आश्चर्य, कुछ पश्चता की निशानी लिए हुए अपने आप पर हंस रहा था मैं, हैरान परेशान, पर वो अपने आप पर खुश हो रहा था। मेरी आंखें लाल फूली, उनमें कीचड़ लबालब भरा हुआ। मेरी आंखें लाल फूली, उनमें कीचड़ लबालब भरा हुआ। होंठ सूखे पत्ते, नाक किसी चिमनी की तरह धुआं उड़ेलती, दांतों का मंजर वीरान किला खड़ा हुआ। जुल्फ यूं बंजर जमी पे कुछ घास सी उगाई हो, जुल्फ यूं बंजर जमी पे कुछ घास सी उगाई हो, जैसे खुदा ने बेरुखी आज इस रुख पे ही दिखलाई हो। उस दिन न एक अच्छाई पूरा हैवान दिख रहा था, उस दिन न एक अच्छाई पूरा हैवान दिख रहा था, फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को इंसान कह रहा था, फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को इंसान कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।